छुपनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बात का तो वक्त ही फैसला करेगा। कल का फकीर परिजा रातों रात इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे नहीं बन गया। मोहब्बत ना कदरों का खेल नहीं, निभाने वाला ही निभा सकता है। जो मोहब्बत को खेल समझते हैं हारते भी वो। साहब जूते पॉलिश कर दो। रो क्यों रहे हो? ये सब तुम्हें तंग करते हैं? हाँ साहब, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्कूल जाते हो? नहीं साहब, मेरी अम्मी के पास फीस देने के पैसे नहीं, हेडमास्टर ने निकाल दिया मुझे स्कूल से। अगर इन मजाक उड़ाने वालों को हराना चाहते हो ना तो पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ोगे? जरूर पढ़ूंगा, मगर फीस की फिक्र नहीं करनी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। मैंने भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, इल्म की ताकत का अंदाजा नहीं था उस वक्त। मगर तुम बहुत पढ़ना, इतना पढ़ना कि ये मजाक उड़ाने वाले तुम्हारी कामयाबी के बाद सर झुकाकर तुम्हें सलाम करें। पढ़ोगे? हाँ जरूर पढ़ूंगा। वादा? हाँ वादा। कमेंट सर जी, ये आपके लिए सर। ये क्या है? आई डोंट नो, किसी आरजे एनी की तरफ से आया है। अच्छा ठीक ठीक है, जाओ। थैंक यू। मैडम कुरतुलैन आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ जी करवाइए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। वालेकुम सलाम। आप? मेरा नाम एनी है। आपसे यूनिवर्सिटी के इवेंट पे मुलाकात हुई थी। मैंने बात भी की थी आपसे। आरजे एनी। ये नंबर मैंने आपकी सेक्रेटरी से लिया है। हाँ जी 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 याद आ गया मुझे, मगर इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तकल्लुफ? नहीं नहीं सर, ये तकल्लुफ तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में मैं स्कल्पचर बनाती हूँ,
एज अ हॉबी घर में छोटी सी गैलरी बना रखी है। अगर मेरे इस हकीर से तोहफे को आप कबूल कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज 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 सर। अच्छा तो आप मुजस्मा साज हैं, भी बता दें आप में क्या क्या हुनर है। नहीं नहीं सर, मुझ में कोई हुनर नहीं है, मैं तो बहुत ही नाकिस हूँ, अभी बहुत कुछ सीख रही हूँ। दरअसल हुनरमंद तो आप हैं, आप नहीं जानते सर आपके अल्फाज को कितना एडमायर करती हूँ मैं। आपकी पोएट्री, आपकी नज़में, जादू है उनमें कोई। मुझे हैरत हो रही है, मेरी चंद नज़में जो शायद कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मैगजीन में छपी होंगी आज भी लोगों की याददाश्त में कैसे जिंदा है। इस मसरूफ दौर में किसके पास वक्त होता है नाजुक एहसासात को पढ़ने का, समझने का। ये क्या बात कर दी आपने सर, शायद आपको खुद अंदाजा नहीं है। सोशल मीडिया पे आपकी नज़मों की धूम मची हुई है। मैंने तो अपने जिस भी शो में आपकी नज़म कही है उस शो की अलग से रेटिंग आई है। यूं तो दीवानी है, मेरे मेरे शो में आपके बारे में इतने सवाल करती है, आपके बारे में जानना चाहती है। आप कैसे रहते हैं, क्या पसंद करते हैं, आपके अचीवमेंट्स के बारे में। सर इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू दें, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा आपका। मेरे पास कुछ खास कहने को है नहीं और अपने बारे में बात करना मैं बहुत पसंद नहीं करता, तो मेरी तरफ से तो फिलहाल आप माजरत ही समझें। ये क्या कह दिया सर आपने, आपको अगर वक्त चाहिए तो आप वक्त ले लीजिए, मैंने बहुत आस लगा के आपको कॉल किया है। चलो तुम इंतजार करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी तरफ से वादा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे तुम कहा है, वैसे इतनी इज्जत की आदत नहीं है मुझे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कबूल कर लेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आपका पर्सनल नंबर चाहिए मुझे। अपनी अम्मी की कसम खा के कहती हूँ कभी बिना वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये आरजे एनी का वादा है आपसे। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक ठीक है, मेरी पीए आपको लिखवा देगी, मगर सर मैं मोबाइल नुमा चीजों से कुछ दूरी रहना पसंद करता हूँ। थैंक यू सो 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 मच सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। आरजे एनी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लें प्लीज प्लीज प्लीज। एक बात पूछूं आपकी। हम्म। कल जब परीसाथ से जाने लगे थे तो दरवाजे पर तुमसे क्या बात करने के लिए रुके थे? कुछ नहीं, बस अपने दिल की बात कर रहा था। दिल की बात? तुम्हें याद है चंद साल पहले उस वक्त छत पे तुमने मुझे खुद ही बताया था कि तुमने परीजात की आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी। कमल वो मोहब्बत आज भी मौजूद है। ये क्या कह रही हो आप भी, वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, वो वक्त तो कब का बीत चुका है। वक्त बदल जाता है लेकिन मोहब्बत नहीं बदलती। तुम्हें क्या लगता है वो जो हर दूसरे दिन यहाँ आ रहा होता है बहाने बहाने से,
कभी अब्बा की तबीयत पूछने, कभी तुम्हें ड्रॉप करने की रस्म पूरी करने, वो क्यों आता है? वो मेरी एक झलक देखने के लिए आता है। क्या वाकई ऐसा है आपी? और अगर ऐसा है भी तो तुम्हें तो वो कभी पसंद नहीं थे, तुम्हें तो उनसे कभी मोहब्बत नहीं थी। तुम्हारी तो हर धड़कन में सिर्फ अजित भाई है। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन सराहे जाने वाली ख्वाहिश तो नहीं मरी ना। हर जब आपसे मोहब्बत करने वाला वो शख्स हो जिसके आगे पीछे दुनिया पलकें झुकाती है, तो क्या ही बात है। तुम नहीं समझोगे, किसी के दिल पर हुकूमत करना ना बहुत मुकम्मल कर देने वाला एहसास होता है। और माजिद भाई, इस सब एहसास और मोहब्बत की कहानी में वो किधर? तुमने तो पूरी अदालत लगा दी, मैं कौन सा भाग रही हूँ परिजात के साथ। देखो, अगर उसका कभी कभार यहाँ आना, मुझे सराहना, मुझे चोर नजरों से देखना, मुझसे बातें कर लेना, अगर मुझे अच्छा लगता तो इसमें क्या बुरी बात है? मेरी इस जहन्नुम जैसी जिंदगी में अगर दो लम्हे मुझे सुकून के मिलते तो क्या बुरा हो गया? हाँ, मेरी माजिद से शादी हुई है, लेकिन मेरे अंदर की औरत नहीं मरी। तुम शायद भूल रहे हो आपी, कि वही परिजात है जिसको तुमने और माजिद भाई ने एक वक्त पे पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया था सिर्फ अपनी मोहब्बत बचाने के लिए। मुझे तुम्हारे जज्बात पर नहीं, जज्बात के यूं बदल जाने पर हैरत हो रही है। तुम बहुत छोटी हो ना, ये बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम ज़्यादा दिमाग ना लड़ाओ, बस मेरा एक काम कर दो, इनकार मत करना। कैसा काम? मेरा मतलब है परिजात मुझसे बाहर मिलना चाहता है। वक्त और जगह का तय उसने मुझ पर छोड़ दिया। मुनासिब वक्त पे मैं तुम्हें बता दूंगी कि कहाँ मिलना है, तुमने बस मेरा पैगाम उस तक पहुँचाना। देखो मना मत करो, और अब अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, जाओ चाय बना के दो। बल्कि तुम ये ख़त्म करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। अकबर जी। मालिक रेडियो लगाना जरा। जी मालिक। जी तो लिसनर्स, आपकी चहेती लाडली राज दुलारी आरजे एनी इज बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ, तो जनाब ये राज भी आप पर खोल देते हैं। वो शख्स जिसकी शायरी की मैं अपने टीनेज से ही दीवानी हूँ, जिसकी क्रिएटिविटी से मैंने आपको भी कई बार एंटरटेन किया है, उस शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई। और क्या बात हो गई जी जनाब, कितना खूबसूरत लगता है जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, वो आपको दिखाई दे जाएं और आप इजहार कर सकें कि आप उनके कितने बड़े फैन हैं, उनके फन के कितने कदरदान हैं, उन्हें कितना सराहते हैं। तो जनाब आज का नेक्स्ट ट्रैक उसी शख्सियत के नाम जो मेरी मुसर्रत के बाइस बने। बाय द वे बताती चलूं, ये ट्रैक मेरा भी फेवरेट है, तो चलें साथ सुनते हैं, एंजॉय कीजिएगा। मेरे हर सफर की है तू ही मंजिल, मेरी हर दुआ में है तू ही शामिल, तुझे सोचता है जो तेरा हो चुका है जो ये रहा दिल। मैं हाजिर हो सकता हूँ सर? आ जाओ। क्या बात है कमाली, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। जी सर, मेरी बीवी ने मुझे माफ कर दिया है, घर आ गई है। झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा तो होता रहता है सर, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा बढ़ गई थी और वो रूठ के महके चली गई थी। शायर कहता है, खुद को तरतीब दिया आखिर असर नौ, तेरा इनकार जिंदगी में
बहुत काम आया। वाह सर वाह। सर आपके शायरी ज़ौक का मैं हमेशा कायल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आपका इंतखाब लाजवाब होता है। यही खुशखबरी सुनाने आए थे कि तुम्हारी बीवी ने एक बार फिर माफ़ कर दिया तुम्हें? नहीं सॉरी सर, सर वो इत्तला मिली है कि अंडरवर्ल्ड माफिया चीफ्स ने आपके खिलाफ एका कर लिया और वो किसी मुनासिब वक्त पर आप पर वार करेंगे। चलो अच्छी बात है, वरना हमारी कौम बड़ी मुश्किल से एक बात पर यकजा होती है। इस बार मेरी खातिर ही सही। फिक्र की बात है सर, कल तक जो लोग मालिक बहरोज करीम के खिलाफ थे वो आज आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उसी मालिक ने मुझे कहा था कि जिंदगी में हर चीज की कीमत मुकर्रर होती है जो कभी ना कभी हमें चुकानी पड़ती है। जहां तक बात है दुश्मनों की साजिशों की, फिक्र मत करो, देखा जाएगा। सर आपको देख के मालिक की याद आ जाती है, ऐसा लगता है मालिक मेरे सामने खड़े हैं। मैं तो उनका अक्स भी नहीं, उनकी एक कही हुई बात मैं नहीं भूलता। उन्होंने कहा था कि हमारी जिंदगी में एक आध दुश्मन जरूर होना चाहिए, आपको जगाए रखे, जिंदा रखे। आपकी नसों में उसकी वजह से खून की गर्दिश भी तेज रहे। कुछ लोगों की जिंदगी में तो दुश्मन भी ढंग का नहीं होता, ढंग का दुश्मन ना हो तो मौत जल्द आ जाती है। हाँ अलबता दुश्मन हो तो जर्फ वाला, जर्फ दुश्मन खुदा दुश्मन को भी ना दे। मालिक आपका फोन कब से बज रहा था? कितनी मरतबा का आया जब मैं ऑफिस से वापस आ जाऊँ इस चीज़ को मुझसे दूर रखा कर। मैं वापस ले जाता हूँ। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजे एनी बात कर रही हूँ, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। ये सवाल भी बड़ा अजीब है, अब कोई अपने मुंह से कहने से रहा जी आपने डिस्टर्ब किया। मुझे तो यही मुनासिब वक्त लगा आपको कॉल करने का। अगर आप कहें तो मैं टूटे दिल से ये कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। सारी उम्र दिल ही तो रखते आए। थैंक यू सो मच सर। वो मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज का शो मेरा सुपर हिट गया, क्योंकि उसमें मैंने आपकी और अपनी अधूरी मुलाकात का जिक्र किया था। माना तो मेरी कच्ची पक्की फैन हो। दुनिया को क्या जरूरत हो किसी पुराने शायर की शायरी में इंटरेस्ट में। मुझे तो तुम्हारे एफएम स्टेशन की कोई मार्केटिंग स्टंट लगता है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह अम्मी की कसम। हाँ हाँ ठीक है ठीक, मान लिया। हर बात तीन दफा दोहराती क्यों है? थैंक यू। सॉरी। जब मैं कंफ्यूज होती हूँ तो ऐसे ही दोहराने लगती हूँ। इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात? सर आप नहीं जानते, आपसे बात करना कितने एजाज की बात है मेरे लिए। कंफ्यूज होना तो बनता है ना। सर एक बात तो बताइए, आप कहीं बाहर नहीं आते जाते? किसी अदबी महफिल में, किसी लिटरेचर फेस्टिवल में? आपके स्टेटस और पोजीशन की वजह से लोग आपको मगरूर समझते होंगे, लेकिन आप मुझे तो मगरूर नहीं लगते। हम इंसान हर किसी के लिए एक नया और अलग जाविया रखते हैं। हो सकता है किसी के लिए मैं खुद पसंद मगरूर हूं और किसी और के लिए मैं अपना और मेहरबान हूँ। सबके लिए यकसा नहीं हो सकते।
आपने कितनी प्यारी और खूबसूरत बात की है। अगर आप इजाजत दें तो क्या ये मैं कहीं कोट कर सकती हूँ? हाँ जरूर। एक और बात पूछूं सर, आप क्या करते हैं घर आके? क्या करना पसंद करते हैं? आपकी क्या मसरूफियत होती है? आपके घर में कौन कौन है? तुम कहीं बहाने बहाने से मेरा इंटरव्यू तो नहीं ले? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। मेरे साथ मेरी सबसे पुरानी साथी रहती है। जब भी मैं वापस आता हूँ मेरा इस्तकबाल करती है, मुझे गले लगाती है और घंटों मेरे साथ बैठ के बातें करती है। अच्छा सर, कौन है वो? मेरी तन्हाई। सर आप कितनी मुनफरिद और मुख्तलिफ और खूबसूरत बातें करते हैं। यकीन करें आपको तो किसी एफएम का आरजे होना चाहिए था, आपका शो सुपर हिट होता। ओह आई एम सो सॉरी 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 सर, आई एम सो सॉरी। आप जब भी बातें करते हैं तो मैं तो हिप्नोटाइज हो जाती हूँ। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। नाहिद, इसी जिंदगी में चाय मिल जाएगी या मरना पड़ेगा? आ रही हूँ आ रही हूँ, बच्चों के खाने की तैयारी कर रही थी। सर में दर्द हो रहा है यार मेरे। अच्छा आपी, मैं दफ्तर के लिए निकल रही हूँ, गाड़ी आ गई है। सुनो वो परचून की दुकान है ना करीम वाला जो है, उसके लिए मैंने लिस्ट बनाई थी राशन की, तुम पकड़ाती जाना, शाम तक वो ले आएगा। अरे नहीं नहीं, इसको दफ्तर जाने दो, वैसे भी कोई वक्त है राशन मंगवाने का। गाड़ी में जा रही है, फिर बाद में कौन जाता फिरेगा, मैं आ रही हूँ। सुनो रुको, ये रुक का परिजात को देख जाओ, और सुनो माजिद करीम की दुकान जरूर जाएगा देखने के लिए कि लिस्ट भेजी है कि नहीं, तो मैंने तुम्हारे पहले से बैग में रख दी। ठीक है बाजी, मगर मैं कैसे पकड़ा देना, अब तुम जाओ शक करेगा ना, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है परिजात? बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहीं फिर से इस धोखेबाज दिल के किसी फरेब में तो नहीं आ रहे? भूल गए क्या, पहले नाहिद फिर बबली फिर लुबना और अब ये एनी? कितनी बार धोखा खाओगे, कितनी बार खुद मसलोगे अपने दिल को अपने हाथों से? एनी? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो बहुत मासूम है, सिर्फ एक मदा है मेरी और कुछ नहीं। क्या यही सच है? मगर क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल की धड़कन फिर से बेतरतीब होने लगी है? किसको धोखा दे रहे हो, अपने दिल को या मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। बात वहम तक ही रहे तो बेहतर है, वहम गुमान से निकलकर हकीकत ना ही आए तो बेहतर है, ना एक बार फिर हमेशा की तरह मुंह की खाओगे। किसी भी दिल के फैसले से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देख लेना, तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। उसे सिर्फ तुम्हारे चंद लफ्जों से लगाव है और इस बात को बुनियाद बनाकर फिर नए ख्वाब बुनने की हमाकत ना करना कभी। अपने पर नहीं तो अपने दिल पर ही रहम करो।
एक मिनट सर। जी कमल। वो मैंने पूछना था कि परिजात सर, मेरा मतलब पीजेड सर, वो ऑफिस आ गए? हाँ, मैंने उनको अभी लॉबी में आते हुए देखा था, कुछ गुस्से में लग रहे थे। जी ओके सर, थैंक यू। सर आज आपकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। फर्स्टली कोकानी एंटरप्राइजेस के साथ, 2 बजे आपकी है जापानीज फर्म के साथ, एंड थर्डली आफ्टर लंच मदसर ग्रुप वालों के साथ। कैंसिल कर दो। सॉरी सर। मैंने कहा ना, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके ऑलराइट। ओके सर। Excuse you, ma'am. Can I help you? No, it's okay. Thank you. कॉल है, वो सुबह से 2 बार कॉल कर चुकी है। कोई जरूरी बात है तो पता कर लो। मैंने उन्हें बताया है सर, मगर वो आपसे बात करना चाहती हैं। शायद कोई जरूरी मैसेज है। बात करें। राइट सर। मैंने यकीनन आपको डिस्टर्ब किया होगा। आई एम रियली 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 सॉरी। ये कोई जरूरी बात है तो बताएं। जरूरी से भी जरूरी काम है फरीजाद सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बोले, मैं सुन रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं पार्ट टाइम स्कल्पचर्स बनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आपके चेहरे का खूबसूरत से मुजस्मा बनाऊं। मेरे चेहरे का? जी जनाब, मेरे फेवरेट ऑथर और पोएट का मुजस्मा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी गैलरी आना होगा और आपको मुझे वक्त देना होगा। इससे ज्यादा बेहुदा मजाक करने को और कुछ नहीं मिला मेरे साथ। नहीं परिजात सर, ये मजाक नहीं है। मजाक नहीं है तो और क्या है? तमाशा बनाना चाहती हो दुनिया के सामने मेरा? मैंने तुम्हें लोगों से मुख्तलिफ जाना था, अफसोस तुम भी बाकियों जैसी निकली। सर लेकिन मैं तो चश्मे और मूर्तियां खूबसूरत लोगों की बनाई जाती है बीबी, और मुझे अपनी शख्सियत के बारे में कोई गलत फहमी ना थी और ना ही है। अफसोस हुआ कि तुम जैसी लड़की दुनिया के सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो। सर मेरा यकीन करें, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं तो बस आपको दोबारा मुझसे राबता करने की कोशिश ना करना।
कॉल परिजात सर। कॉल परिजात सर ऑफिस नंबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजे एनी बात कर रही हूँ, मेरी परिजात सर से बात हो सकती है? सॉरी मगर मैं आपकी बात नहीं करवा सकती, बॉस ने सख्ती से मना किया है। आई एम रियली सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं सैनी आई है। उन्हें कहो मैं मसरूफ हूँ। पर वो तो ऑलरेडी आपके ऑफिस में बैठ चुकी हैं। तुमने उन्हें मेरे ऑफिस में कैसे आने दिया? आई एम सॉरी सर, मगर वो मेरे आने से पहले ही ऑलरेडी आपके ऑफिस में बैठ चुकी थी। मैंने उन्हें मना किया था पर कि हमें परमिशन नहीं है इस तरह इजाजत के बगैर किसी को ऑफिस में आने की, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्या आइंदा मुझसे कोई रابطہ ना रखना। मगर ये तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? मैंने अगर अनजाने में आपका दिल दुखाया है, मुझसे बदतमीजी हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आपकी इंसल्ट करने का सोच भी नहीं सकती मैं। ये इंसल्ट नहीं तो और क्या है? क्या दिखाना चाहती हो मेरा मुजस्मा बनाकर? क्या साबित करना चाहती हो? यही कि तुम मुझ जैसी शक्ल सूरत वालों की मूर्तियां भी बखूबी ढाल लेती हो अपनी उंगलियों से? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो हमेशा आपको आपके लफ्जों के आईने में देखा है, और जिस इंसान के एहसासात इतने खूबसूरत हों, वो इंसान भी लफ्ज, एहसासात, जज्बात, सोच, ये खूबसूरत मगर किताबी बातें हैं। बाहर की दुनिया इंसान को उसकी जाहिरी शख्सियत से नापती है, जैसे तुमने किया, उसी नजर से देखा जिस नजर से दुनिया मुझे देखती है। तुम्हारी नजरों में भी वही हकारत होगी जो मुझ जैसे परिजादों के लिए पूरी दुनिया की नजरों में होती है, वरना तुम मुझसे ये घिनौना मजाक ना करती। बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही चली जाओ, मुझे किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े।
मैं कैसे हूँ? मेरा नाम कुरतुलैन जरूर है, मगर मैं देख नहीं सकती। परिजनों से ये हिजर कैसे झेला है।